सेकेंडरी विद्यालय में और उसकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का मैं मुकेश मिश्रा हिंदी अध्यापक की तरफ से हार्दिक स्वागत। आइए हम लोग इस तथ्य का विवेचन करते हैं कि अलंकार, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी विषय व्याकरण अलंकार परिचय। अलंकार का कैसे परिचय करेंगे हम लोग? हम लोगों को परिचित होना है अलंकार विषय से, और यह अलंकार व्याकरण में आता है, और अलंकार की आवश्यकता क्या है यह भी आप जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जिस स्वरूप में बन के तैयार होती है बिल्कुल उसी सेम स्वरूप में उसका उपयोग हो पाना संभव नहीं होता। उसको डेकोरेट किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जिससे वह जिन लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है उस वस्तु को, वह वस्तु काफ़ी आकर्षक हो, हृदय आह्लादक हो। उसके सामने वाले की आँखों के सामने वो चीज़ जब पड़े तो उसके मन और मस्तिष्क को प्रसन्न चित्त कर दे, तो अलंकार। आइए विषय हम एक चीज़ का विवेचन करते हैं। जैसे कहते हैं अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे वो अलंकार है, जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वो अलंकार है, और एक और चीज़ मिलती है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रयक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है, शब्दों को मिलाते हैं कार्यक चिन्हों से और योजक पदों से जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है। इसी तरह काव्य का भी निर्माण होता है, जो काव्य का निर्माण किया जाता है उस काव्य निर्माण में उस काव्य को आकर्षक बनाने हेतु अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस तरह से कोई युवती अपने शरीर को और भी सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है, जिसके कारण वह पद्य पंक्तियाँ, वह काव्य पंक्तियाँ काफ़ी आकर्षक हो जाती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, और उस अच्छे लगने का लाभ यह है कि वह काव्य ही श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अलंकार के बगैर काव्य का कोई मतलब नहीं है। अर्थात अलंकार की आवश्यकता काव्य में होती ही है। जैसे आपके यहाँ नवरात्रि के पर्व पर दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित होती है, उसमें प्रारंभ में कुछ लकड़ियाँ और उस पर मिट्टी लपेटी जाती है, क्या वो लकड़ियाँ और मिट्टी का लपेट ही हो अगर तो आप उसको स्वीकार करेंगे? आप उसके सामने सिर झुकाने जाएंगे? कदापि नहीं जाएंगे। उसमें आप कलर होगा, पेंट होगा, शारीरिक अंगों के आकार प्रकार विधवत उसमें गढ़ दिए जाएंगे, फिर वस्त्र पहना दिए जाएंगे, फिर आभूषण पहना दिए जाएंगे, फिर अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कर दिया जाएगा। इतना सब होने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, सारे कामों का परिणाम ये होगा कि वह सुशोभित होने लगी, ऐसा माना जाएगा। काव्य में अलंकार दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर पे आभूषण किसी भी चीज के, आप सोने के पहना लो, चांदी के पहना लो, आप हीरे के पहना लो, काव्य की शरीर पर कैसा आभूषण पहनाया जाएगा? काव्य की शरीर को सुशोभित करने के लिए काव्य या तो शब्द के रूप में होता है या तो अर्थ के रूप में होता है। काव्य से काव्य या तो शब्द के रूप में दिखता है, जैसे ये देखिए पानी एक शब्द है, परात एक शब्द है, को शब्द है, ये सारे शब्द हैं, और इसका अर्थ जब आप देखेंगे तो उस अर्थ से आपको ये अपनी तरफ खींचेगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पैर धुलने के लिए ये प्रसंग है एक समय का। आइए हम आपको थोड़ा सा उस प्रसंग के बारे में बताते हैं। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन बचपन के मित्र हैं, बचपन की कही गई बातें जवानी में कौन याद करता है, या आप महाभारत में देख ही चुके हैं कि राजा द्रुपद द्रोण से बहुत घनिष्ठ मित्रता थी इन दोनों की, और द्रुपद ने यह भी कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम
आना, मैं तुमको आधा राजपाट दे दूंगा। जब बाद में द्रोण, गुरु द्रोण जाते हैं, उन्होंने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे को दूध पीने के लिए एक गाय नहीं है, अगर इतनी भी सहायता कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुमने मित्रता निभाई। तो उसी तरह, और आप जानते हैं कि वहां पे मित्रता निभाई नहीं गई, लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता निभाई गई। सुदामा के आने पे भगवान कृष्ण परात रखे पैर धुलने के लिए। पहले के जमाने में किसी के आने पे पैर धुलाने का बड़ा एक प्रचलन हुआ करता था। तो यहाँ क्या है, पानी परात को, यानी परात वाले पानी को। परात एक बड़ी सी थाली, पहले अक्सर फूल नामक धातु की बड़ी सी होती थी, पैर वैर धुलने के लिए भी काम आती थी, आटा वगैरह सानने में भी लोग प्रयोग करते थे। तो परात के पानी को हाथ से नहीं छुआ पैर धुलने के लिए, पानी परात को, परात के पानी को, परात के पानी को, ये गद्य हो जाएगा। अब पानी परात को लिखेंगे तो पद्य जैसा, इसमें लय, जब लय हो जाए तो लय माने लय धुन, धुन सुर जिसमें सेट बैठ सके वो पद्य की पंक्तियां होती हैं। तो परात के पानी को हाथ नहीं लगाया भगवान कृष्ण ने पैर धुलने के लिए। होता क्या है, उस थाली में पानी रखते हैं और उसी पानी को उठा उठा के पैर पे डालते रहते हैं और पैर धुलते हैं। तो यहां परात में जो उपस्थित है पानी, उसको हाथ नहीं लगाया, हाथ छुओ नहीं, हाथ से छुआ तक नहीं। क्या हुआ, मित्र को इतना दुखी देखा, इतना फूट फूट के रोए भगवान कृष्ण। परिणाम ये हुआ कि इनकी आंखों से गिरने वाले जल से सुदामा जी के पैरों का वह भाग जो पानी में नहीं डूबा था वो भीग गया। पवर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने दोहराव, एक से अधिक बार आना, एक से अधिक बार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। वर्णों के आधार पे इस अलंकार का निर्णय हुआ है, इसलिए यह वर्ण शब्द में आते हैं और वर्ण अथवा शब्द में आए हुए अलंकार के आधार पर शब्द अलंकार कहा जाएगा। नीचे देखिए, पीपल पात सरस मंडोला क्यों कहा गया है। आपने पीपल का वृक्ष तो देखा ही होगा, आपने ये भी देखा होगा हवा नहीं भी चलती है फिर भी वो पत्ता हिलता है। क्यों, आखिर क्यों हिला, क्योंकि हवा नहीं भी चलने की स्थिति में कुछ न कुछ चल रही होती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर तापमान होता ही है, तापमान होगा तो हवा में कुछ ना कुछ गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा उसका स्पेस भरने के लिए वहां आएगी। तो जब ये प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से हवा का फ्लो, हवा का बहाव कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और वही हवा का बहाव उस पीपल के पत्ते को, जो कि काफी नाजुक होता है, उसकी डंठल जो डाल से लगी हुई होती है इतनी नरम मुलायम होती है, इतनी मूवेबल होती है, इतनी हिलने लायक उसमें है क्षमता, ऐसी होती है कि वो हिलती रहती। तो कहा किसी का मन ऐसा है जैसे पीपल का पत्ता हरदम हिलता ही रहता है, उस व्यक्ति का मन ऐसा है जो किसी को भी पसंद करता है, किसी के प्रति रीझ जाता है, खुश होता है। यानी मन इतना चंचल है कि जैसे पीपल का पत्ता सदैव डगमगाया करता है, हिलता रहता है, उड़ता रहता है, वैसे उसका मन है वो भी चलायमान है, चंचल है। ऐसा होना नहीं अच्छा है, पीपल के पत्ते की तरह मन का होना अच्छी बात नहीं। पीपर पात, तो पावर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। और सरिस माने समान, पीपल के पत्ते के समान ही मन चलाए मान हो उठा, मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रह गया, चलाए मान हुआ। यानी आज कोई और चीज पसंद है, कल और चीज पसंद हो गई, ये मन का काम होता ही है। तो ये अर्थ के आधार पे भी अलंकार हुआ, अर्थालंकार भी इसमें होगा, शब्दालंकार भी होगा। पावर्ण की आवृत्ति की बात जब आप करेंगे, इस निगाह से देखेंगे, तो यह शब्दालंकार अर्थात अनुप्रास अलंकार में जाएगा। लेकिन अगर सरिस माने बराबर, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है हल्की सी हवा पे, वैसे ही मन भी डोल पड़ा, यह अर्थ जब लेंगे तो यह अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार के रूप में देखा जाएगा। तो आपने जाना अलंकार क्या है, आभूषण। अलंकार क्या है, सजावट। अलंकार क्या है, व्यवस्थित ढंग से ऐसा रखना जिससे काव्य के उस खंड में, काव्य के उस भाग में
आकर्षण उत्पन्न हो, और ये जो आकर्षण है वो कुछ और नहीं बल्कि अलंकार है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रेक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। तो आप ये चीज जाने रहें, मैंने आपको लाइव क्लास में ग्रामर के रूप में जो टिप्पणी करनी थी उसके अंतर्गत छंद शास्त्र से कुछ चीजों को मैंने पढ़ाया था। मात्राएं कैसे गिनते हैं ये बताया था मैंने, दोहा चौपाई और सोरठा के बारे में चर्चा की थी। आज मैंने इस अलंकार के टॉपिक को उठाया है और अलंकार आभूषण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ के रूप में होता है, उसी नाते अलंकार का भाग भी शब्द अलंकार और अर्थालंकार के रूप में होता है। आज का वीडियो बस इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को और आगे लेंगे। थैंक यू।